नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश ने अपने जो ऑनलाइन प्रोस्पेक्ट है वो जारी कर दिया। आपके एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनगोइंग है, मैंने ऑलरेडी आपको डिटेल में बता रखा है। बीएससी नर्सिंग का जो एंट्रेंस टेस्ट होगा उससे रिलेटेड जो 2022 के लिए प्रोस्पेक्ट जारी कर दिया गया है। तो बीएससी नर्सिंग में केवल फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं 2022-23 सेशन के लिए, और इसके लिए एएमआरयू अटल मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी के द्वारा आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में जो जितने भी प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज हैं सभी के लिए आपको अगर एडमिशन लेना है तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो आपको देना होगा। अब इसमें आपके फीस की बात करें एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, तो आपके जनरल कैटेगरी के 2000 रुपये हैं, बाकी जो अदर कैटेगरीज हैं रिजर्व कैटेगरी, तो उनके लिए 1000 रुपीज़ आपकी फ़ीस रखी गई है। ऑफिशियल वेबसाइट आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन है 28/8/2022 को कंडक्ट करवाया जाएगा, तो ऑलमोस्ट आपके पास में 14 डेज का टाइम ही बचा है, 2 वीक्स आपके पास में बचा है अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए और आपकी जो सिलेबस है उसे कम्प्लीट करने के लिए। इंपॉर्टेंट शेड्यूल की अगर बात करें तो आपका आज 14 अगस्त हो चुकी है, कल 15 अगस्त है लास्ट डेट है। आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है 2022 सेशन के लिए कल के बाद में फिल नहीं कर पाएंगे। अगर किसी भी कैंडिडेट का फॉर्म फिल करते टाइम अगर कोई भी इश्यू आ चुका है या कोई भी आपने मिस्टेक कर रखी है फॉर्म में, तो 16 अगस्त को आप अपना जो करेक्शन है वो कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपके 23 अगस्त को अपलोड कर दिए जाएंगे, किस तरीके से डाउनलोड करना है सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। 28 अगस्त को आपका एग्ज़ाम होगा, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया। आपकी आंसर की है और आपका जो रिजल्ट है वो आपका रिजल्ट 6 सितंबर को जारी किया जाएगा, आंसर की 29 से 31 अगस्त के बीच में, जिसमें आप अपना जो ऑब्जेक्शन वो भी रेज कर सकते हैं अगर आपको किसी भी तरीके का कोई आंसर की में इशू दिखता हो। अब दोस्तों, अगर आपकी गवर्नमेंट सीट्स की बात करें तो गवर्नमेंट सीट्स आपकी टोटल 120 सीट ही है। आपको हिमाचल प्रदेश में केवल 2 ही गवर्नमेंट कॉलेज देखने को मिलेगी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, आईजीएमसी शिमला और आपका लाल बहादुर शास्त्री जो नर्सों डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। तो दोनों में 60-60 सीट है, केवल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं आपकी बीएससी नर्सिंग कोर्सेज के लिए। बाकी आपकी प्राइवेट की जो सीटें हैं जिनमें ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनके लिए 50% सीटें प्राइवेट में रिजर्व हैं, और जो स्टेट कोटा के कैंडिडेट हैं उनके लिए आपकी 50% रहेगी, और जो अदर स्टेट के हैं उनके लिए 50% मैनेजमेंट कोटा के तहत आपकी सीटें हैं वो रिजर्व रहेगी। ये प्राइवेट के लिए है, गवर्नमेंट में केवल हिमाचल के जो रेजिडेंट मूल निवासी है कैंडिडेट उन्हीं को ही सीट मिल पाएगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे आपकी जो प्राइवेट की कॉलेजेस हैं जिनमें 50% सीटें स्टेट कोटा के लिए रिजर्व हैं और 50% है वो मैनेजमेंट कोटा के तहत है। एग्जामिनेशन सेंटर की अगर बात की जाए तो हिमाचल स्टेट का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है तो हिमाचल में ही आपके एग्जामिनेशन सेंटर आएंगे, जैसे कि बिलासपुर धर्मशाला में रहेगा, कांगड़ा हमीरपुर ऊना मंडी, और नेक्स्ट अगर बात करें आपकी शिमला रामपुर में होगा, सोलन नाहन कुल्लू चंबा और नालागढ़, आपके ये 13 एग्जामिनेशन सेंटर रहने वाले हैं। अब आपके सिलेबस की अगर बात की जाए कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्या पूछा जाएगा, तो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपके 11th और 12th एनसीईआरटी बेस्ड पूछी जाएगी, इंग्लिश ग्रामर और नर्सिंग एप्टीट्यूड सभी का इक्वल पार्ट है। 20-20 क्वेश्चन हर एक पोर्शन से पूछे जाएंगे, 5 पोर्शन आपके, इसमें आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है, 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, और 100 क्वेश्चन आपके 100 मार्क्स के आपके पूछे जाएंगे, तो आपको सारी क्वेश्चन है वो अटैम्प्ट करने रहेंगे। अब फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी की प्रिपरेशन कैसे कैसे करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ई बुक्स का लिंक प्रोवाइड करवा रखा है, तो जो कैंडिडेट अच्छे से उनको फॉलो कर रहे हैं 100% आप अपने लिए गवर्नमेंट सीट वो कन्फर्म कर लेंगे, क्योंकि जो ई बुक्स आपको प्रोवाइड की गई है उनके बाहर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, सारे के सारे क्वेश्चन आपको उन्हीं में से देखने को मिलेंगे। इंग्लिश ग्रामर की प्रिपरेशन के लिए भी आपको ई बुक वो प्रोवाइड करवा रही है, इसमें आपको कंप्लीट ग्रामर का सिलेबस दिया गया है। नर्सिंग एप्टीट्यूड में कौन कौन सा सिलेबस पूछा जाएगा, तो मैंने आपको जो टॉपिक्स हैं वो एक सेपरेट वीडियो में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी, कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो आपके पूछे जाएंगे, तो इस तरीके से आपका यह सिलेबस रहेगा। अब जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश ग्रामर की जो ई बुक्स हैं उनको अवेल किस तरीके से कर सकते हैं, तो दोस्तों आपको अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है क्योंकि आपके पास में 2 वीक्स का ही टाइम बचा, बहुत कम समय बचा है, तो आप ऑब्जेक्टिव बुक को जरूर फॉलो करें, ये आपके लिए सफिशियंट है आपके सिलेक्शन में, और आपके अगर कंसेप्ट क्लियर है तो ऑब्जेक्टिव बुक आपके लिए यूज़फुल है, और अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो उसके लिए भी मैंने ई बुक है वो आपको प्रोवाइड करवा रखी है, ये आप देख सकते हैं 11th और 12th एनसीईआरटी का फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी 3-in-1 ई बुक है, और इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव ई बुक भी 3-in-1 है। दोनों ई बुक को अगर आप अच्छे से फॉलो करते हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का एक भी क्वेश्चन आपको इनसे बाहर देखने को मिलेगा, सारे के सारे क्वेश्चन इन्हीं 2 ई बुक में से ही आपको देखने को मिलेंगे।
अब इसी तरीके से जो बेस आपकी इंग्लिश ग्रामर का है उसके लिए भी आपको ई बुक प्रोवाइड करवा रखी है। इसमें भी आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसको आप लाइटली बिल्कुल भी ना लें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आपको इसमें कंप्लीट सिलेबस देखने को मिलेगा। अब अवेल किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है तीनों ई बुक्स का। आपको इंग्लिश ग्रामर की ई बुक अवेल करनी है तो इस तरीके से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस है, वो आपका ई फॉर्मेट में अवेल किया गया है। यहाँ पे सिलेबस क्या क्या रहने वाला, आपका वर्ब टेंस पैसिव वॉइस नरेशन क्वेश्चन टैग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, कंडीशनल सेंटेंस वर्ब नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव आपका कंजेक्शन आर्टिकल प्रीपोजिशन एडवर्ब टू सिनोनिम एंटोनिम्स वर्न वर्ड सब्स्टिट्यूशन इडियम फ्रेजेस, आपके जो कंप्लीट सिलेबस है वो इसमें आपको कवर किया गया है। तो ये आपके लिए सफिशिएंट है। इंग्लिश ग्रामर का आपका जो पोर्शन है पूरा इसमें कवर हो जाएगा। अवेल किस तरीके से करें, चाहे आप इंग्लिश ग्रामर की बुक हो, आपकी थ्योरी बेस्ड बुक हो या ऑब्जेक्टिव बुक हो, सभी की प्रोसेस बिल्कुल सेम है। तीनों के डिफरेंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा रखे और फर्स्ट कमेंट में पिन करके आपको सिंपली बाय नाउ पे क्लिक करना है। जैसे बाय नाउ पे क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस आएगा। इसमें अपनी डिटेल फिल करनी है, जैसे कि नेम, एक्टिव मेल आईडी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे पेमेंट के लिए पूछा जाएगा, फोनपे पेटीएम डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग जो है मोड उससे पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट कन्फर्मेशन के बाद में डाउनलोड फाइल का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप अपनी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहाँ से आप अपनी ई बुक डाउनलोड नहीं कर पाते तो जो ईमेल आईडी यहाँ आपने फिल की थी इस ईमेल पे भी पेमेंट कंफर्मेशन का एक मेल सेंड किया जाता है। उस मेल में भी आपको आपकी ई बुक डाउनलोड करने का लिंक सेट किया जाता है, वहाँ से भी आप अपनी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। 14 दिन का समय बचा है दोस्तों, सही तरीके से यूटिलाइज कर लीजिए। पूरी कंसिस्टेंसी के साथ में इन स्टडी मटेरियल को फॉलो कर लीजिए, आप 100% अपने लिए सीट आप कन्फर्म कर लेंगे। बाकी आप सोच विचार करने में टाइम वेस्ट करते रहेंगे तो आपकी सीट है वो कोई और कैंडिडेट ले जाएगा, फिर आपको लाइफ टाइम के लिए रिग्रेट फील होता रहेगा और फिर आपका एक साल वेस्ट भी हो सकता है। वो आपकी कंसिस्टेंसी और एफर्ट पर डिपेंड करेगा। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।